नमस्कार, मैं हूं सुमित शरण। आप देख रहे हो भाई संसार क्रांति। फिलहाल जो भाई इस समय मत नहीं हिलता, हम लाइव जुड़ गए हो। और भाई एक बहुत बड़ी खबर जो है, आगे ना जाए कैमरामैन, एक बहुत बड़ी खबर जो निकल के आई है भाई। अगर जो कल रात को जो है एक वीडियो वायरल हो रही थी, जो तारे जो थे, मतलब बताया जा रहा था कि भाई हवाई जो ट्रेन चलने लगी थी आसमान में, फिलहाल जो बताया जा रहा है कि उसके अंदर जो भाई कुछ उसका जो डिवाइस वगैरह जो बाजरा के खेतों में, कैमरामैन ने कोई बराकर दिखा दे, इन बाजरा के खेतों में जो भाई पड़ा बताने लग रहे हैं। और ये खेत का जो मालिक हमारे उड़ान करने पर कैमरामैन, और खेत का जो मालिक है वो हमारे साथ है। और एक मैं वीडियो भी दिखा दे, बढ़िया दिखा भाई वीडियो है। ये भाई इसका एक सोलर प्लेट भी है, नीचे एंटीना भी है। यो कोई जहाज में तो सामान पड़े है, पता नहीं सैटेलाइट का है कोई। एक ये इसका साथ में यो गुब्बा रहा है। मेड इन जर्मनी, बाहर का आयो प्रोडक्ट। ना जर्मन का प्रोडक्ट है वो, दिखा यो है नर्नबर्ग मुगहनर स्ट्रीट, मेड इन जर्मनी, बाहर का प्रोडक्ट है वो। खोल दूने मेड इन इंडिया का कौन? हाँ इंडिया को ना, बाहर का मेड इन जर्मनी। क्यों रहा मेड इन जर्मनी? तो देखते बता रही है ग्राह ले लख रहा है जूम करके घर। हाँ हाँ देख लिए। अच्छा ये रेडियो सोन्स है साहब, जो करो वो यार ना के? रेडियो सोन्स, ये रेडियो के सिग्नल्स वगैरह के उसके लिए होता है रेडियो सोन्स। अच्छा गेम करवा रेडियो रेडियो सोन्स लिखा हुआ है, ग्रा रेडियो सोन्स की कंपनी है काफी बड़ी। तो भाई फिलहाल इस जगह पे जो है बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पे जो है वो जो डिवाइस जो बताया जा रहा है कि भाई एक उड़न खटोला का जो कल रात ना जो एक ट्रेन चलने लग रही थी ऊपर का, तो हमने देखी भाई 27 से 28 जो बल्लभ चश्मे दिखाई देने लगे थे। हालांकि वो जो धर्म भाई साहब ने भी आके ऑनलाइन बताया था, अगर लाइव आए थे भाई, ये जो है सैटेलाइट हैं और सूरज की रोशनी जब उनके ऊपर पड़ी जब वो चमकने लगे, और उनने तो जो है भाई आशंका है ये। अच्छा ये उससे कहा कि भाई साहब ये देखो भाई फिलहाल जो है वो जो जो है वो यंत्र जो पड़ा है उसका देख सको, बैलून का जो है ये टुकड़ा है। तो भाई साहब ये किस तरह आपने बेरा पाटा और कब का मामला है? ये 2-3 दिन पहले का है, इधर मैं खेत में आया था अपना पानी लगाने के लिए। एक मिनट, 2-3 दिन पहले का भाई यो मामला जो है 2-3 दिन पहले का है, लेकिन सैटेलाइट कल गुजरी है, हो सके है सैटेलाइट जो पहले गुजरी हो और उसका मामला हो, लेकिन आज ही यो जो है भाई इस तरीका का एक यंत्र यहाँ पर पड़ा था। हम साइड में भी तस्वीर देखने लग रहे हो, यो यंत्र जो था वो इस जगह पर जो है भाई पड़ा था। तो आपने किस तरह बेरा पाटा भाई साहब की? मैं इधर खेत में बाजरे में पानी लगाना आया था, मैंने देखा यहाँ एक डोर सी बाहर से अंदर खेत की तरफ आई हुई थी सफेद रंग की। अच्छा अच्छा। और मैं उसके डोर के साथ साथ अंदर आया तो मैंने दिन की बात से शाम की बात है? दिन की बात है, दिन की। हाँ अच्छा, दिन में 10:30-11 बजे की बात है। और मैंने यहाँ आके देखा एक वो डिवाइस सा पड़ा, डिब्बा सा पड़ा था। किस प्रकार का था वो? था छोटा है, इतनी लगान खेत में आया मैंने ये डोर देखी सफेद सफेद रंग की, मैं खेत के अंदर घुसा डोर के साथ साथ, और यहाँ देखा है एक छोटा सा डिब्बा पड़ा था, उसमें ऊपर सफेद रंग का प्लास्टिक था, नीचे फोम के डिब्बे में वो डिवाइस सा था। अच्छा अच्छा। उसके नीचे एक तार सा एंटीना नुमा था। हाँ ये देखो भाई ये यो के सिस्टम है, यो के था ये, एक गुब्बारा था जो उसके बंधा हुआ था बहुत बड़ा। अच्छा बैलून था यो? हाँ। और इस पे मेड इन जर्मनी लिखा हुआ था, मेड इन जर्मनी। हाँ अच्छा जी। तो फिर मैंने 102 नंबर पे कॉल, पहले तो मैंने थाना सालावास में फोन किया SHO साहब के पास, उन्होंने बताया भाई मैं किसी को भेज रहा हूँ, लेकिन कुछ देर कोई नहीं आने की वजह से फिर मैंने 102 नंबर पे कॉल करी, 102 नंबर से फिर कॉल आई भाई हम आ रहे हैं। अच्छा जी। उससे पहले यहाँ मेरे पास CID का एक आदमी आ गया था, उसने फोटो वगैरह तार के और अपने स्टाफ को सूचना दे दी थी, तो 102 नंबर आने वाले 112 नंबर वाले यहाँ आ गए, और वहाँ आके उन्होंने देख दाख के बोला भाई खाम खाम तेने परेशान किया, ये तो कुछ नहीं था, तू ही यहाँ उठा लेता। अच्छा प्रशासन ने ये बात कही? हाँ। अच्छा मैंने उसको ये बताया भाई मैं इसको नहीं छेड़ता, पता नहीं क्या चीज थी क्या नहीं थी, कुछ मेरे को नुकसान हो जाता। फिर वो बोले भाई हम ऐसे ही देख लेंगे, कुछ नहीं होगा, उन्होंने उठा लिया। अच्छा। और यहाँ से उठा के वहाँ चले गए नहर के पास, वहाँ चौकी से 2 बंदे और आ गए थे,
उन्होंने बताया ये कुछ नहीं है। दिखा भाई आस पास कह रही हूँ, यहाँ कुछ नहीं है और ऐसा एक हमारे पास पहले भी पड़ा है, ये कुछ नहीं होता। फिर मैंने उसको ये बताया भाई मेरा काम सरकार को इतला करना है, चाहे ये कैसा है भी है कुछ भी है, लेकिन मेरा काम था सरकार को बताना ताकि सरकार पर कोई देश पर कोई आर्थिक संकट ना आए। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सही करा, 112 तो आपने कॉल करा, फिर बाद में वो लेके थे वे यहाँ से, उन्होंने चौकी वालों को 112 वाले ने चौकी वालों को दे दिया। अच्छा जी, हाँ वहाँ से उसके बाद वीडियो ले गया, वीडियो के बाद में यहाँ डीसी साहब ले गए, डीसी साहब इसके आगे मेरे को नहीं पता कहाँ गए क्या, हाँ इशार लेके गए थे कि वहाँ उसके कुछ चेकिंग हुई या नहीं हुई मेरे को नहीं पता। तो भाई फिलहाल जो मैं आपने बता दूँ, एक यंत्र जिसके ऊपर मेड इन जर्मनी लिख रखा था और नाम भी जो उस पर लिख रखा था, मैं आपने बता दी हूँ कि कुछ नाम लिख रखा था और आप तस्वीर भी देखने लग रहे हो, और उसके ऊपर जो है नाम लिख रखा था भाई, एक मिनट रुको मैं ही बता देता हूँ, हाँ ग्राव GRAW DFM 09 रेडियो साउंड जो इसे कहा जाता है भाई, हमने ऑनलाइन जब खोज जाया जब हो तो उसके ऊपर लिखा जाता है रेडियो साउंड जो है इसे कहा जाता है हिंदी में, और मेड इन जर्मनी का जो था ये प्रोडक्ट था, ये यंत्र था जर्मनी का था। और जब भाई साहब ने इस बात का पता लगा कि यहाँ पर कोई यंत्र पड़ा है तो इसने 112 नंबर डायल पर कॉल करके जो पुलिस प्रशासन जो बुला लिया था, और पुलिस प्रशासन जो आके यहाँ पे फिलहाल मुआयना कराया, और इनकी ये भी सुनने में आया कि ये कहीं कोई इस तरह के तो हमारे पास और भी यंत्र पड़े हैं। लेकिन बैलून की जब बात कराँ, अगर भाई बैलून है तो बैलून जो भाई अगर बैलून लगा रखा था तो आसमान में उड़ाने के लिए लगाया गया होगा, और आसमान में ये तो है नहीं कि भाई 1 किलोमीटर चला जाओ ऊपर 2 किलोमीटर चला जाओ, क्योंकि जो ऑक्सीजन भरी जा हुआ तो अंतरिक्ष में जाके डटा है। तो ये इन अंतरिक्ष के लिए भाई कोई यान था, कोई मतलब यंत्र था अंतरिक्ष में भेजा जाने के लिए, लेकिन यो किसी कारणवश जो भाई नीचे गिरा है, यह भी नहीं कह सकते जो कल आपने उड़ती ट्रेन जो देखी थी उसका है, उसका ही पार्ट हो यो, और उसका यो अलग तक कोई पार्ट हो, लेकिन इस मामला की भाई पूरी जांच जो अभी तक निकल के नहीं आई है, लगातार जो खबरें चल रही हैं। जी पुलिस आने से पहले मैंने तहसीलदार को भी फोन किया, अच्छा, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। अच्छा जी। उसके बाद CID ऑफिसर ने भी यहाँ से तहसीलदार के पास फोन किया ताकि भाई वो मौके पर आ जाए ताकि कोई घटना ना हो, इसलिए तहसीलदार ने बाद में उसका भी फोन नहीं उठाया। यहाँ का तहसीलदार बिल्कुल लापरवाह है। अच्छा जी, मतनेल से? मतनेल से, और ये मतलब हर टाइम किसी टाइम कभी भी छुट्टी कर लेता है, ड्यूटी पे भी बहुत कम आता है। अच्छा, बिल्कुल मतलब लापरवाही दिखाने लगा, बिल्कुल लापरवाही दिखाता तो है। तो बता रहे भाई तहसीलदार को भी जो इन्फॉर्म कराया गया था लेकिन कोई एक्शन नहीं है, लेकिन 112 नंबर डायल पे जब कॉल कराया, देखो इस तरीके का भाई काफी जो है ये देखो, और ये कितना दिन तक लगा भाई साहब, कितने दिन पहले मतलब पड़े हैं, और भी आपने देखने तक कई दिन पहले आगे पड़े हैं, या फिर जिस तरह आप ही देख सकते हैं ये आज से नीचे नहीं जा रहे, घास के नीचे ही बढ़ रहे हैं। नहीं, ये तो जैसे वो पुलिस वगैरह आई थी पैर वगैरह। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखो भाई कितने, ये देखो ये बैलून के टुकड़े जो हैं, और जो यंत्र जो था भाई वो जो है ले जाया जा चुका है, ये देखो बैलून के जो टुकड़े, और बैलून की क्वालिटी भी भाई देखो कितनी बढ़िया क्वालिटी है बिल्कुल, और छोटा मोटा यंत्र नहीं था। लेकिन भाई फिलहाल जो वो जांच के लिए जो भेज दिया गया है, यहाँ से जो बताया जा रहा है कि भाई पुलिस प्रशासन ले गया, फिर BDO साहब ने बुलाया, फिर मंगवाया, और फिर जो है DC साहब ने मंगवाया, और उसके बाद जो इशार भेज दिया गया है ऐसा सुनने में आ रहा है। और काफ़ी मतलब अंधविश्वास की बातें चल रही थी, कल धर्मू भाई साहब भी लाइव चले थे कि भाई जो है उड़ती हुई जो ट्रेन उड़ते हुए जो तारे जो हमने देखने आए थे लाइन में जो चलने आए थे 27 से 28 अगर भाई जो बिंदु दिखाई देने आए थे तारे, वो हालांकि जो है सैटेलाइट थे, जिसकी पुष्टि भाई साहब कर्मू भाई साहब ने भी कर दी थी लाइव आके, और धर्मू भाई साहब ने भी कर दी थी, वे सैटेलाइट थे। तो अभी फिलहाल जो है इस यंत्र का कुछ पता नहीं लगा है कि भाई यो जो है उससे का पार्ट था या फिर कोई और पार्ट है। फिलहाल मतनेल गांव के जो मैं खेता के अंदर खड़ा हूँ, और आपका नाम क्या भाई साहब? भीम सिंह नाम है। भीम सिंह, भीम सिंह ने भाई जब वो डिवाइस देखा तो उसने जो भाई पुलिस प्रशासन को जो कॉल कर दिया, और आप देखो भाई इस खेत के अंदर इस जगह पड़ा बताया जा रहा है, और बताने लग रहे हैं जब शुरू में देखा तो इस जगह पर जो तार वगैरह पड़े थे, तार ने देखी जो भाई साहब पानी लगाना आ रहे थे, तो पानी ने जब पानी लगाना लगे जब तार दिखा, और उस तार के साथ साथ जब गए तो वो डिवाइस पड़ा था, उस डिवाइस की भी तस्वीर तम साथ के साथ देखने लग रहे हो। खबर ने साथ के साथ शेयर जरूर कर दो, और जो कल सैटेलाइट जो है लॉन्च करी जो जान लग रही थी जो चमकन लग रही थी, तो उसका पता नहीं है भाई यो जो है उससे का हिस्सा है या फिर यो कुछ अलग है, लेकिन फिलहाल जो है वो प्रशासन की कस्टडी के अंदर है जो डिवाइस था, और मेड इन जर्मनी जो है उसके ऊपर लिख रखा था। भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, भाई साहब आपने पुलिस को इन्फॉर्म कराया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथ के साथ जो है खबर को शेयर कर दे भाई। फिलहाल कैमरामैन मनीष दादरी के साथ सुमेश्वर संसार।